बेगूसराय लोकसभा के एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ है। ये सर बताइए कि काफ़ी संख्या में काफ़ी उत्साहित होकर बेगूसराय की जनता वोट कर रही है, इससे ज़्यादा ताकत मिलती है आपको? देखिए, स्वाभाविक है, देश की जनता को एक भरोसा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। वही आज गरीबों को, दबे कुचले लोगों को, उसके मन में लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि 2022 तक हम सबको घर देंगे, बिजली देंगे, शौचालय देंगे, हो रहा है और मुझे भी होगा, 5 लाख का इलाज कराने का वो देंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास की ऊंचाई को बढ़ा रहे हैं, सबको पेंशन दे रहे हैं, एक गरीबों में और राज्यवासियों में एक विकास के प्रति भूख जगी है और विश्वास भी जगा है। और दूसरे तरफ देशद्रोहियों को निकाल फेंकने का काम भी करें। लेकिन कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि बेगूसराय की जनता जो है वह इस बार दिल से वोट कर रही है और बेगूसराय के लाल को वोट कर रही है। जिसको बेगूसराय की जनता पर भरोसा, वो अरब से, बम्बई से, दिल्ली से, नेपाल से क्यों बुलाता? गिरिराज को तो भरोसा था, गिरिराज तो रामलखन सिंह को बुलाया, गिरिराज अपने रहा, गिरिराज के साथ विजय रहे, अजय रहे, गिरिराज के साथ बेगूसराय की जनता रही। बूथों पर घूम घूम के देख लें, पता चलेगा। नया नाम मिला आपको बेगूसराय में, सांपनाथ, नागनाथ, बिसेल, मतलब बिसेल भरा हुआ है गिरिराज सिंह के मन में, दिल में। देखिए, अब ये बिसराज, मैं बिसराज हूँ, मैं बिसराज किसके लिए हूँ? जो भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहेगा उसके लिए बिसराज हूँ मैं बिसराज हूँ। जो भारत के सेना को अपमानित करेगा उसके लिए बिसराज हूँ, ऐसे मैं गिरिराज हूँ। आपको पाकिस्तान का वीजा मंत्री भी कहा गया, वो जाके अकबर लोन से मिल लें, आजकल अकबर लोन वीजा दे रहे। बड़ी जीत होगी गिरिराज सिंह की बेगूसराय, बेगूसराय की जनता की जीत होगी, हमारी जीत नहीं होगी। तो हमारे साथ है गिरिराज सिंह, इनका साफ कहना कि बेगूसराय की जनता की जीत होगी, हमारी जीत नहीं होगी। निश्चित तौर पर गिरिराज सिंह अपने जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, बेगूसराय, न्यूज़ 24।